Hello friends, assalamu alaikum and welcome to my channel BBC recipes. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. आज मैं आपको सूजी का टुकड़ी हलवा बनाना सिखाऊंगी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें. सूजी का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, आधा किलो सूजी ली है मैंने, ग्राम्स में ये 500 ग्राम है, 2 कप चीनी, 2 टीस्पून अरके गुलाब, 3 से 4 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ते बादाम, डेसिकेटेड खोपरा यानी पिसा हुआ खोपरा मैंने लिया है 1/4 कप, कटा हुआ खोपरा लिया है मैंने 1/4 कप, बड़ी इलायची जो काले रंग की होती है 2 अदद ली है मैंने, और इसके दानों को मैंने इस तरह पाउडर बना लिया है. ज़्यादातर लोग इसमें हरी इलायची डालते हैं, आज मैं इसमें बड़ी इलायची का पाउडर इस्तेमाल करूंगी, आप भी ट्राई करके देखें. इसके अलावा मैंने किशमिश ली है 1/4 कप, घी इसमें जाएगा 1/2 कप. सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे. ये 1/2 कप घी है, इसमें से 1/2 घी मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और 1/2 घी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे. अब मैं इसमें सूजी डालूंगी. सूजी को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनूंगी. सूजी भूनने में काफी टाइम लग जाता है और इसको लो फ्लेम पर ही हमको भूनना है. तेज आंच पर भूनेंगे तो सूजी जल जाएगी और इसका फ्लेवर भी खराब हो जाएगा. सूजी को उस वक्त तक मैं भूनूंगी जब तक कि इसमें से भूनी भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे. बहुत ज्यादा सब्र के साथ सूजी को भूनना होता है. सूजी को भूनते हुए मुझे 25 मिनट हो गए हैं और सूजी रोस्ट होने की जो एक मखसूस महक होती है अब इसमें से आने लगी है, और आप देखेंगे सूजी का कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये अच्छी सी भुन भी गई है. फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है. अब मैं इसको एक बड़े बाउल में निकाल लूंगी और उसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे. सूजी को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है. अब मैं चाशनी तैयार करूंगी. ये 2 कप चीनी मैंने कढ़ाई में डाल दी है, साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी. इसका शीरा तैयार करेंगे. शीरे के लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको भी लो फ्लेम पर ही हमें बनाना है. तेज आंच पर अगर हम शीरा तैयार करेंगे तो शीरा अच्छा नहीं बनेगा. लो फ्लेम पर ही शीरा मैं तैयार करूंगी इसका. शीरे को मैंने 10 मिनट तक पका लिया है. इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है. फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है. बस हल्का सा ही इसको गाढ़ा करना है. अब मैं इस शीरे को थोड़ा ठंडा कर लूंगी. ये देखिए शीरा ठंडा हो गया है. शीरे को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है. शुगर को बस हल्का सा ही कैरमलाइज करना है कि इसका कलर हल्का सा येलोइश हो जाए. आप देख सकते हैं शीरे को इतना गाढ़ा करना है कि इसका तार बनने के बाद टूट जाए. शीरे में अब मैं ये अरके गुलाब शामिल करूंगी और ये जो बाकी बचा हुआ घी हमने साइड में रखा था अब मैं सारा का सारा इसमें डाल दूंगी. इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. भुनी हुई सूजी ठंडी हो गई है. अब मैं इसमें ये पिसा हुआ खोपरा डालूंगी और ये बड़ी इलायची के बीजों का पाउडर है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी. इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. शीरा जो है ठंडा हो गया था. अब मैंने दोबारा से इसको लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर लिया है. अब मैं इसमें ये किशमिश ऐड करूंगी ताकि थोड़ी सी इसमें फूल जाए.
जब तक किशमिश फूलकर नरम होती है तब तक मैंने ये थाली ले ली है, इसको मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप कोई भी थाली ले सकते हैं, जिस तरह मैंने ये पतीली का जो ये लिड है ये इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप इसके अलावा इसमें पिज़्ज़ा पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी अच्छा लगाएं, शीरे में मैंने किशमिश डाल दी थी और अब ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब ये भुनी हुई सूजी मैं सारी की सारी इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत जल्दी जल्दी इसमें मिक्स करना है। सारा शीरा सूजी में अच्छी तरह जज्ब हो जाए तो ये खुद ब खुद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सारा शीरा सूजी में जज्ब हो गया है। अब मैं इसको इस पैन में उलट दूंगी। बहुत गर्म है ये इस वक्त। अब इसको जल्दी जल्दी पैन में सब तरफ फैला देंगे, नहीं तो ये सेट होना शुरू हो जाएगा। सब तरफ से इसको इवन कर लें। सूजी को मैंने थाली में डाल के सेट कर लिया है। जिस वक्त ये गरम गरम हो उसी वक्त मैं इसमें खोपरा डाल दूंगी। जिस वक्त ये गरम हो उसी वक्त डालें, वरना ये मेवा जो है इस पर सेट नहीं होगा। सब तरफ डालें अच्छी तरह। उसके बाद आपके पास इस तरह का कोई पॉलीथेन बैग हो, आप इस बैग को इसके ऊपर रख के हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर दें ताकि मेवा इसके ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे ही करूँगी। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसमें कट के निशान लगाएंगे। जैसी भी शेप हमें चाहिए होगी वैसे ही हम इसमें कट लगाएंगे। हलवे को मैंने थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी भी इसमें काफ़ी गर्माई है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। कट उसी वक्त लगाने हैं जब इसमें थोड़ी सी गर्माई हो। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, स्क्वायर में कटिंग कर लें या रेक्टेंगल में। मैं इसको डायमंड शेप में कट करूंगी। सूजी का टुकड़ी वाला हलवा जमकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसके स्लाइस निकाल के दिखाती हूँ। मैंने ये हलवा व्हाइट कलर में बनाया है। अगर आप इसको कलर में बनाना चाहते हैं तो चाशनी बनाते वक्त आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी कलर ऐड कर दें, येलो फूड कलर या ग्रीन या पिंक, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें कलर डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।